मतदाता सूची के पुनरीक्षण संबंधित बैठक एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी ने बताया कि 2, 3, 9 और 10 नवंबर को सभी बूथों पर स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें बीएलओ बूथों पर मौजूद रहेंगे, जिसमें मतदाता अपने नाम को बढ़वा सकते हैं और त्रुटियों को दुरुस्त करा सकते हैं। बैठक में मुख्य राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के अलावा एडीएम चौरी चौरा त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, एडीएम खजनी विपिन कुमार, एडीएम गोला अरुण सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, इसका भी सत्यापन किया जाना है कि सभी बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध है। एज को हार्ड कार्डेशन किया जाना है कि कितने 18 साल के वोटर और बढ़ गए हैं, उसकी उम्र पूरी कर रहे हैं, वो आप वोटर बन सकते हैं, तो वो अपना फॉर्म भी बीएलओ के माध्यम से जमा कर सकते हैं, फॉर्म 6 बन सकते हैं। पब्लिकेशन जो ड्राफ्ट रूल तैयार होगा उसका 15 अक्टूबर को पब्लिकेशन होना है। इसके बाद दावे और आपत्ति ली जाएगी कि किसी का नाम अगर छूट गया है तो वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, तो उसके संबंध में आपत्ति दे सकता है। और स्पेशल डेज, जो विशेष अभियान की तिथियां हैं वो नोट कर लें आप लोग, 2/11 को, 2 नवंबर को स्पेशल डे होगा रिवीजन के लिए, 3/11 को भी स्पेशल डे होगा, 9/11 को भी स्पेशल डे होगा और 10/11 को भी स्पेशल डे होगा। ये विशेष अभियान के दिवस होंगे, जिस दिन बीएलओ अपने मतदेय स्थल पर बैठेगा, वोटर लिस्ट लेगा, उनको पढ़ेगा और उसमें कोई नाम पे आपत्ति है तो वो प्राप्त करेगा, यदि कोई नाम छूट गया है तो नया फॉर्म ले लेगा और किसी डेड या शिफ्टेड वोटर के संबंध में जानकारी देनी है तो फॉर्म 7 भरवाएगा और डेड और शिफ्टेड वोटर का नाम वोटर लिस्ट से पृथक कराएगा। तो ये स्पेशल डेज है जिस दिन मतदेय स्थल पर वोटर जो बीएलओ है हमारा बैठेगा, जुड़े ना पाए और सही मतदाता का नाम कटे ना पाए, इस बात को एश्योर कराएंगे। दावे और आपत्ति जो ड्राफ्ट रूल पर प्राप्त की जाएंगी 15 अक्टूबर से, तो वो उनका निस्तारण जो है 15 दिसंबर तक किया जाना है। जितनी भी दावे और आपत्तियां आएंगी वो 15 दिसंबर तक उन दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।